आज मैं बनाने वाली हूँ बची हुई रोटी का मज़ेदार सा नाश्ता। यह नाश्ता खाने में बहुत टेस्टी लगता है और मालूम ही नहीं चलेगा कि यह बची हुई रोटी का है। मैंने 2 रोटी ले लिया है और मैंने इसे ट्रायंगल की शेप में काटा है। आप चाहे किसी भी शेप में इसे काट सकते हैं। इसे सुबह या शाम के नाश्ते में आप बनाकर खा सकते हैं और यह खाने में बहुत टेस्टी लगता है और बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और आप इसे झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए, हमने रोटी को काट कर तैयार कर लिया है। हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें 3 चम्मच हम बेसन डालेंगे। बेसन डालने के बाद हम आधा चम्मच सूजी डाल देंगे और थोड़ा सा हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा ही हमने धनिया डाला और बहुत ही हल्का हमने गरम मसाला डाला है और थोड़ा सा हमने आमचूर पाउडर, उसके बाद थोड़ा सा हमने नमक स्वाद के अनुसार डाला है और एक हरी मिर्च डाल देंगे काट कर। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके और पानी डालकर हम एक अच्छा सा बैटर तैयार करेंगे। जैसे हम ब्रेड के पकौड़े के लिए हम बैटर तैयार करते हैं, सेम हमें वैसे ही तैयार करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। बैटर जो है वो तैयार हो गया, हमें थोड़ा इसे गाढ़ा ही रखना है। हम बैटर में जो है कटी हुई रोटी को हम अच्छे से डुबो लेंगे। हमने तेल को पहले ही जो है गैस पर रख दिया था गरम होने के लिए। रोटी को जो है बैटर में अच्छे से हम डुबा कर जो है तेल में डाल लेंगे और जो है फ्लेम को मीडियम कर देंगे और धीमी आंच पर एक साइड हम 2 मिनट इसे पका लेंगे। कम से कम पूरा पकने में इसे 4 मिनट का टाइम लगेगा। 2 मिनट हो गया है, अब हम एक पलटे की मदद से जो है हम इसे पलट लेंगे अच्छे से। हम पलट पलट कर जो है दोनों साइड में ऐसे ही पका लेंगे। फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। यह रोटी का जो नाश्ता है खाने में बहुत टेस्टी लगता है, इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। यह रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी और ख़ासकर बच्चों को। देखिए, अब पक चुका है, कितना अच्छा कलर आया है और एक बहुत ही क्रिस्पी भी है। अब हम इसे जो है प्लेट में निकाल लेंगे। अब जितनी बची हुई रोटियां है उसे हम बैटर में डुबाकर और मीडियम आंच पर हम इसे छान लेंगे। सच में यह खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे चाहे चाय के साथ खाएं या चटनी के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। प्लीज़ आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करके बताएं कि यह रेसिपी आपको पसंद आए कि नहीं आए। देखिए, यह सारा बनकर तैयार हो गया है। मालूम ही नहीं हो रहा है कि यह रोटी का है और यह देखने में कितना अच्छा लग रहा है। यह बहुत टेस्टी होता है खाने में। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें।